मसाला स्वाग में आप सभी का स्वागत है। पनीर पराठे तो हम सभी ने खाए हैं, लेकिन अगर उसमें हम थोड़ा सा चीज ऐड कर दें तो कैसा लगेगा, ट्राई करके देखें। सबसे पहले 3 कप आटा ले लें। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंद लें। इसे ढककर साइड पर रख दें। अब पराठे की स्टफिंग के लिए 400 ग्राम पनीर ले लें। इसे अच्छे से मैश कर लें। उसमें 100 ग्राम प्याज, आधी छोटी शिमला मिर्च, एक हरी मिर्च, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने कितना नमक यूज किया है तो मैंने 2 टीस्पून नमक यूज किया है। अब 2 छोटे चम्मच साबुत धनिया ले लें। इसे दरदरा पीस लें, यानी कि बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हल्का हल्का पीसना है। इसे भी स्टफिंग में डाल दें। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगी, जो चम्मच मैं वीडियो में यूज कर रही हूँ मैंने वो मेजरमेंट के लिए नहीं यूज किया है, मैंने एक्चुअल मेजरिंग टीस्पून यूज किया है। अब गूंधे हुए आटे की 2 लोई यानी कि 2 पेड़े बना लें। दोनों को बारी बारी से बेल लें। अब एक रोटी पर थोड़ा घी और फिर स्टफिंग ऐड कर दें। इसमें 1 से 2 स्लाइस आप चीज डालें, थोड़ा सा मोज़रेला चीज। चीज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और अब फाइनली ओरिगानो और थोड़ा चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। अब दूसरी रोटी को इस पर डालकर इसे हल्के हाथ से सील कर लें, सारी तरफ से अच्छे से सील कर लें। थोड़ा सूखा आटा लगाएं। और इसे बेल लें। हम पराठे को 1 पेड़े में भी बना सकते हैं, लेकिन हमारी तरह अगर आपको स्टफिंग ज्यादा पसंद है तो 2 पेड़ों में पराठा बनाएं। इससे आप ज्यादा स्टफिंग ऐड कर पाएंगे। तवे पर पराठा डालने के बाद इसे पलट लें। नीचे की साइड गोल्डन ब्राउन होने पर इसे फिर से पलटें और उस पर घी लगाकर उसे अच्छे से स्प्रेड कर लें। इस पूरे प्रोसेस में तवा मीडियम से हाई हीट पर ही रहेगा, यानी कि मध्यम से तेज आंच पर ही अपना तवे को रखिएगा। अब फिर से पलटकर दूसरी साइड पे भी घी लगाएं। हल्के हाथ से इसे प्रेस करते रहें ताकि पराठा इवनली पक जाए।
फ्लिप करके अच्छे से इसे पका लें। ट्रस्ट मी, बहुत ही बढ़िया पराठे बने थे। और अगर यकीन ना आए तो खुद ट्राई करके देख लीजिए। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।